नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार में जातीय जनगणना को लेकर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया और इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर आज सुनवाई की तारीख थी। आज उस पर सुनवाई होनी थी और उस पर फैसला होना था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला देती है, क्या इस तरह के केसेस को आगे बढ़ाया जाए या ये केस यहीं बंद होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल बिहार में जातीय जनगणना को लेकर चर्चा जितनी ज्यादा तेज है, कहीं ना कहीं उससे इस बात को लेकर हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिंता व्यक्त करते रहे हैं। ऐसे में बिहार में 7 जनवरी से जातीय जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 याचिकाओं पर सुनवाई की है, जिसमें एक याचिका गैर सरकारी संगठन ने दाखिल की थी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पटना हाईकोर्ट के दरवाजा खटखटा सकते हैं। दरअसल बिहार में जातीय जनगणना पर रोक लगाने के लिए याचिकाकर्ताओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। वहां से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। कोर्ट ने सभी याचिकाओं को पटना हाईकोर्ट की तरफ रुख करने को कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में 3 याचिका थी, तीनों याचिका को लेकर हाईकोर्ट आप जा सकते हैं। न्यायमूर्ति बी आर गवई ने विक्रमनाथ की पीठ ने स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील की दलीलों पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है। पीठ ने मौखिक रूप से कहा है कि तो यह एक प्रचार हित याचिका है और साथ ही नीतीश कुमार के फैसलों के खिलाफ डाली गई PIL पर याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया है। हालांकि राहत देते हुए हाई कोर्ट में जाने की सलाह दे दी है। कुछ हिंदू संगठन थे, कुछ बिहार शरीफ के लोग थे और इसको लेकर लगातार नीतीश कुमार की सरकार को भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी कर रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बिहार हित में फैसला नहीं ले रहे हैं। और एक बार फिर से बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, CM नीतीश अब बिहार हित में फैसला ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। हालांकि याचिकाकर्ता को अभी भी इस बात की छूट है कि वो पटना हाई कोर्ट के शरण में जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं जो फैसला लिया है उन फैसलों में नीतीश कुमार की जीत हुई है। इसके पहले नगर निकाय चुनाव में भी CM नीतीश की जीत हुई थी, राज्य सरकार की जीत हुई थी और एक बार फिर से राज्य सरकार ने जातीय जनगणना कराने का जो निर्णय लिया है उसमें भी बड़ी जीत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हुई है, बिहार सरकार को हुई है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। PayTM नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।